भोपाल में फैशन टीवी ने प्रदेश में अपने दूसरे एफ सैलून को लॉन्च किया है। सैलून का शुभारंभ फैशन टीवी के MD काशिफ खान द्वारा किया गया। शुभारंभ के बाद सैलून जनता के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां महिलाएं त्वचा और बेहतरीन बालों के साथ एक्सरसाइज कर पाएंगी। देखिए इस रिपोर्ट में। फैशन टीवी के MD काशिफ खान ने कहा कि भोपाल में एफ सैलून के उद्घाटन का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फैशन टीवी पर हम अपने ब्रांड के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी फ्रेंचाइजी के विश्वास और वफादारी को बनाने के अपने प्रयास के लिए प्रतिबद्ध हैं और फैशन टीवी के उच्च मानकों को बनाए रखने में उनकी मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम देश के हर कोने में एफ सैलून लॉन्च करना चाहते हैं और विश्व स्तरीय सौंदर्य सेवाएं सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमारे सभी संरक्षकों के लिए फैशन टीवी फैशन का पर्याय है और हम अपने ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए खड़े हैं। काशिफ खान ने कहा, भोपाल एक जागरूक और भव्य जीवन शैली वाला एक महान शहर है। भोपाल के लोग दुनिया भर में घूमने वाले हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों से जुड़ते हैं और एफ सैलून की विलासिता से संबंधित है। मुझे पूरा यकीन है कि भोपाल के लोग एफ सैलून ब्यूटी मेकओवर का आनंद लेंगे। क्या विजन था भोपाल में खोलने के पीछे? जी, भोपाल में इसलिए खोल रहे क्योंकि भोपाल की पब्लिक, भोपाल की आमदनी, एवरीथिंग इज सो इंटरनेशनल। दे आर वेरी फोकस्ड, दे आर एजुकेटेड, दे नो व्हाट्स ब्यूटी, व्हाट्स लाइफस्टाइल, एंड आई थिंक भोपाल डिजर्व्स द बेस्ट इंटरनेशनल ब्रांड, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। And with Mr. Jain and Jain's family, they're all supporting us. They got the brand here. And I think we'll make a great, great venture in Bhopal and make everybody look more beautiful. सर, आजकल आम लोग या बड़े लोग सबको खूबसूरत दिखना होता है, इसलिए हम FTV सैलून आप जैसे आम लोगों के लिए भी शुरू किए हैं। इस सैलून में ये खास बात है क्योंकि बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल ट्रेंड्स, बाहर के सभी लेटेस्ट ब्यूटी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स यहाँ सभी पहले आएंगे, और जब एवरीबॉडी लुक्स एट आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट एंड लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ब्यूटी स्टाइल्स, वी आर द वन हु कैन गिव द भोपाल सराउंड द भोपाल ऑडियंस द फर्स्ट चांस टू अवेल दैट। कार्यालय के बीच में संस्कृति बचाव मंच ने पहुंचकर खलल डाल दिया। संस्कृति बचाव मंच के लोगों का कहना है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम बंद हैं, लेकिन फैशन शो जैसे कार्यक्रम को किसने जिम्मेदारी दी? भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।